नासा ने पिछली गलतियों की तरह इससे भी एक सबक सीखा कि ज्यादा इंटेलिजेंट होने या इंटेलिजेंट लोगों में रहने से हम अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट के शिकार हो जाते हैं और उन चीजों को मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं जो शायद इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। इसलिए हमेशा रीथिंकिंग करते रहना चाहिए। करियर चॉइस के लिए ये बात काफी हद तक सही है। कई बार बाद में आपको पता चलता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो पसंद नहीं है और आप दूसरे काम में अच्छे हैं। ऐसे में जो स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है उसे छोड़कर नए तरीके को अपनाएं। एक छोटे से गांव में एक सैम नाम का लड़का रहता था। अपने स्कूल के दौरान सैम ने ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ स्ट्रगल किया। वो क्लासरूम के माहौल में कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो पाया, जिससे किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। तब भी उसके मार्क्स मिनिमम ही आते। जैसे तैसे उसने स्कूल और कॉलेज को पास किया। उसके बाद जैसे ही वो अपनी जॉब में गया तो उसे वहां भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन उसे समझ आया कि उसे अपनी थिंकिंग, अपनी अप्रोच सब पर वापस से काम करना होगा। कोई भी पुराने रूल काम नहीं आएंगे, नए रिजल्ट्स पाने के लिए कुछ नया करना होगा, और उसने इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। उसने पुराना सब भुलाकर नई चीजों को सीखना शुरू किया। उसने अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना शुरू किया। उसने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि एक सक्सेसफुल इंसान किन सब चीजों को करके सक्सेसफुल हो रहा है। उसने रियलाइज किया उसका लर्निंग स्टाइल बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो चीजों को करके देखते हुए बेहतर ढंग से कर पा रहा था। वो थोड़ा स्लो था लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, और धीरे धीरे वो सक्सेस को अचीव करता गया। पहले ही साल उसे अपनी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिला, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो ये समझ पाया कि टाइम के साथ रीथिंक करना और अपनी पुरानी सीख और सोच को बदलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम में सैम एक मल्टीनेशनल कंपनी के टॉप लीडर में से एक है, जहां वो लोगों को इनोवेटिव होने और नए तरीकों पर काम करने की स्ट्रेटजीज के बारे में सिखाता है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही किताब के बारे में बात करेंगे जिसके जरिए आप रीथिंकिंग की पावर को समझेंगे। इस बुक का नाम है थिंक अगेन, जिसे एडम ग्रैंट ने लिखा है। आप जनरली अपनी लाइफ किस चीज के बेसिस पर बनाते हैं? जो आपने पढ़ा हो या सुना हो उसके बेसिस पर। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये राय एक तरफा भी हो सकती है, यानी कि आप किसी एक तरह के विचारों से इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं। जब हम जरूरत से ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगते हैं तो सही और गलत को डिफरेंशिएट करना बंद कर देते हैं और अपनी इन्फ्लुएंस वाली राय को ही सही मानने लगते हैं। लेकिन एक समझदार इंसान होने के नाते सही गलत चीजों को डिफरेंशिएट करना जरूरी है। तो इसकी शुरुआत होती है स्किल ऑफ रीथिंकिंग से। ये तब होता है जब आप यकीन कर लेते हैं कि आप पूरी दुनिया की नॉलेज को नहीं जानते हैं और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कई लोग अपने पुराने बिलीफ्स को ही सही मानते हैं, हालांकि वो बिलीफ्स उस टाइम पर ठीक थे, लेकिन बदलते जमाने के साथ कई चीजें आज के हिसाब से यूजफुल नहीं रह जाती। इसलिए सही रिजल्ट को पाने के लिए चीजों को नए नजरिए से देखना या नए तरीके अपनाना जरूरी हो जाता है। जो लोग ऐसा नहीं करते उनके लिए अपने पुराने बिलीफ्स पर बने रहते हुए सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, और जो लोग रीथिंकिंग के लिए तैयार होकर अपने आप को टाइम के साथ एडजस्ट कर लेते हैं और कम से कम दूसरों की तरह दुखी नहीं रहते, यानी कि अगर हम आंख बंद करके मान लेने की बजाय चीजों को ओपन माइंडेड होकर समझेंगे तो इससे कई फायदे होंगे। इसे मान लेना कि पूरी दुनिया की नॉलेज का बहुत कम हिस्सा हम जानते हैं, और जो आप जानते हैं उनमें से भी कुछ ही चीजें हैं जिनके बारे में हम पूरी तरह से श्योर हो सकते हैं। ये हमें नया नजरिया अपनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो रीथिंकिंग क्या है, ये कैसे काम करती है, कैसे पुराने अननेसेसरी बिलीफ को छोड़कर नए यूजफुल बिलीफ को अपना सकते हैं और आसपास के लोगों को अपनी राय से कन्विंस कर सकते हैं, कैसे अपने ऑफिस में स्टाफ को हमेशा लर्निंग माइंडसेट अपनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, ये सब हम आज जानने वाले हैं। अगर आप अपने घर या ऑफिस में लर्निंग एनवायरनमेंट को डेवलप करना चाहते हैं या लीडर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। बुक को अच्छे से समझने के लिए हम इसके चार इम्पोर्टेंट सेक्शंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे, और वीडियो के एंड में बुक के की पॉइंट्स को मैं एक बार दोहरा दूंगा ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक प्रीचर, प्रोसिक्यूटर, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट और हमारा दिमाग। टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ ही इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। मेडिकल सेक्टर में 1950 से अगले 50 सालों तक जितनी इन्फॉर्मेशन मिली, 2010 से अगले 7 सालों में रिसर्चर्स को उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। आज चारों तरफ इन्फॉर्मेशन की भरमार है। पहले के कंपैरिजन में आज हमें पलक झपकते ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सकती है। इसका मतलब है हमें इन्फॉर्मेशन के बेस पर बने हमारे बिलीफ्स के बारे में अवेयर होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका आईक्यू लेवल कितना ज्यादा है, अगर आप अपने बिलीफ को बदलने के लिए मोटिवेटेड नहीं है तो आप रीथिंकिंग की कई अपॉर्चुनिटीज को मिस कर सकते हैं। जैसे क्या आप जानते हैं, दशकों पहले तक प्लूटो को जुपिटर, मरकरी और वीनस की तरह एक ग्रह माना जाता था, लेकिन रीसेंट रिसर्चेस में साइंटिस्ट को ये पता चला है कि प्लूटो सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। इसे साबित करने के लिए कई सालों तक रिसर्च चली और अब रिसर्च में मिले डेटा के बेस पर ये मान लिया गया है। इस नई बिलीफ को मानने से चीजों को देखने के नए नजरिए बने और कई नए रास्ते भी बने।
जनरली जब हमें किसी एक बात पर डाउट होता है तो हम दूसरे सोर्सेज के जरिए उसकी सच्चाई को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर डॉक्टर आपके बारे में कुछ बताते हैं तो हम कंफर्म करने के लिए अक्सर दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, लेकिन जब यही हमारे ओपिनियन के बारे में होता है तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं। ऐसे में हमारे लिए अपने ओपिनियन को गलत मानना मुश्किल हो जाता है और उसे सही आसान लगता है। ऑथर ने अपनी रिसर्च में पाया कि हम लोग एक प्रीचर, प्रोसिक्यूटर, पॉलिटिशियन और एक साइंटिस्ट की तरह सोचते हुए इनसे इन्फ्लुएंस होकर अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हैं। प्रीचर माइंडसेट में हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारे बिलीफ को चैलेंज कर रहा है। प्रोसिक्यूटर माइंडसेट से सोचने से हमें लगता है कि हम सही हैं और सामने वाला गलत है। और पॉलिटिशियन माइंडसेट में हम लोगों को अपनी बात से मनाने की कोशिश करते हैं। इन तीनों माइंडसेट में प्रॉब्लम ये है कि या तो आप सिर्फ अपने बिलीफ में रहने की कोशिश करते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, या फिर बिना सोचे दूसरों को इन्फ्लुएंस करने पर डिसीजन लेने लगते हैं। सही डिसीजन लेने के लिए ये तरीका सही नहीं है, इसलिए इस तरह के माइंडसेट से बचने के लिए हमें साइंटिस्ट माइंडसेट को अपनाने की जरूरत है। एक साइंटिस्ट की तरह इन्फॉर्मेशन और डेटा के बेस पर डिसीजन लें। एक साइंटिस्ट की तरह चीजों को रियलिस्टिक तरीके से देखने की आदत डालें और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें। साइंटिस्ट कभी भी अपने बिलीफ पर बेस्ड चीजों को सही साबित करने की कोशिश नहीं करते, वो हमेशा एविडेंस के बेस पर जो सही होता है उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन के बेस पर डिसीजन लेते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि स्मार्ट होने का मतलब हर टाइम सही डिसीजन लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बदलती सिचुएशन के हिसाब से अपना माइंडसेट बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो कभी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। रिसर्च में पता चला है कि जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है उन्हें इस तरह के बदलाव करने में ज्यादा परेशानी आती है, क्योंकि वो अपने आज के बिलीव्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए बदलते हालातों के अकॉर्डिंग अपने बिलीव्स में थोड़ा भी बदलाव उन्हें पसंद नहीं होता और ये उन्हें अपनी इंटेलिजेंस के लिए इनसिक्योर करता है। ऐसे में ये मानना मुश्किल होता है कि वो गलत हैं, चाहे उनके सामने सबूत ही क्यों न रख दिए जाएं। ऐसे में चीजों को ओपन माइंडेड होकर समझने की कोशिश करें। अब हम इंटरपर्सनल रीथिंकिंग के बारे में जानेंगे। अक्सर जब हम अपने बिलीव्स के बारे में कोई अच्छी खबर सुनते हैं तो अपने नजरिए को लेकर खुश होते हैं और उस बारे में ज्यादा जानने के लिए इंस्पायर होने लगते हैं, लेकिन जब हम उस बिलीफ या ओपिनियन के बारे में बुरी खबर सुनते हैं तो अपसेट होकर सेल्फ डाउट में फंस जाते हैं। इसी टाइम रीथिंकिंग की जरूरत होती है ताकि अपने माइंड को ओपन करके अननेसेसरी बिलीव्स को पहचाने और उस बारे में दोबारा से सोचने के लिए इंस्पायर हो। हालांकि अपने बिलीव्स के बारे में डाउट करना भी कभी कभी ठीक होता है। ऑथर इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। ये ऐसी फीलिंग है जो हमें किसी दूसरे की तरह बनने से रोकती है, लेकिन साथ ही अपने बिलीव्स को लेकर सेल्फ डाउट में डाल देती है। कुछ रिसर्चर्स ने ये पाया है कि हमारे आसपास के आधे से ज्यादा लोग करियर या लाइफ की किसी और चीज को लेकर इम्पोस्टर हो जाते हैं, चाहे उन्होंने अपनी लाइफ में कितनी ही बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। इम्पोस्टर सिंड्रोम कई मायनों में फायदेमंद होता है, जैसे ये फीलिंग्स हमें अपनी बिलीफ को सही साबित करने के लिए हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेट करती है और रीथिंकिंग के लिए माइंड को ओपन करती है। इम्पोस्टर थॉट्स हमें स्मार्ट वर्क करने के लिए मोटिवेट करते हैं। 100,000 से ज्यादा लोगों पर की गई रिसर्च में पाया गया कि औरतें लीडरशिप स्किल को अंडर एस्टिमेट करती हैं और आदमी ओवर एस्टिमेट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लीडरशिप को लेकर दोनों के बिलीफ अलग अलग होते हैं, इसलिए जब ऐसे मुद्दों पर दोनों से बातचीत होती है तो एक पार्टी को पूरी तरह से सही और दूसरी को पूरी तरह से गलत मानते हैं। फॉर्मल डिबेट में आपका मकसद होता है जिस टॉपिक पर डिबेट की जा रही है उसके बारे में सामने बैठी ऑडियंस का माइंड चेंज करना, यानी कि उन्हें कन्विंस करना कि वो आपके ओपिनियन पर ध्यान दें। याद रखें, किसी एक चीज को लेकर लोगों के माइंड में पहले से ही कुछ ओपिनियन होते हैं। ऐसे में इनफॉर्मल डिबेट में स्पीकर ऑडियंस को अपनी बिलीफ से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग डिबेट को एक बहस की तरह मानते हैं जिसमें एक पार्टी की ओपिनियन पूरी तरह से ठीक माने जाते हैं जबकि दूसरे के बिल्कुल गलत। एक एक्सपर्ट थिंकर की तरह आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि अपने पार्टनर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू की सच्चाई से अवेयर करवाएं। इसमें आप उन्हें ओपन माइंडेड होकर आपके ओपिनियन के बारे में सोचने के लिए मोटिवेट करते हैं, ना कि कई सारे रीजन देकर उन्हें हराने या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे उन्हें बुरा लग सकता है और वो आपका ओपिनियन सुनने के लिए ओपन माइंडेड नहीं रहेंगे। ध्यान रखें, अगर सामने वाला इंसान ओपन माइंडेड नहीं है तो वो आपकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आप उन्हें उनके आज के बिलीव्स को चैलेंज करते हुए कन्विंस कर रहे होते हैं कि अपने बिलीव्स के बारे में दोबारा से सोचें कि वो गलत हैं और आपके सही बिलीव्स को मान लें। ऑथर कहते हैं कि डिबेट को एक डांस की तरह देखें। डांस में अगर आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने या लीड करने की कोशिश करते हैं तो डांस खराब हो सकता है, इसलिए आपका ऑब्जेक्टिव उनके साथ मूवमेंट को मैच करना है। इससे आप दोनों ताल से ताल मिलाकर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जिसमें एक नॉन प्रोफेशनल नेगोशिएटर और एक एक्सपर्ट नेगोशिएटर को एक डील फिक्स करनी थी। रिसर्चर्स ने दोनों की डील करने के तरीकों को स्टडी करके पाया कि नॉन प्रोफेशनल नेगोशिएटर लोगों को कई सारे रीजन देकर उनसे अपनी बात बनवाने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी बातों को सही साबित करने के लिए कई तरह के कारण दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ एक्सपर्ट अलग तरह से डील कर रहे थे और बहुत ही कम कारण दे रहे थे। जब आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए कारण देते हैं तो अनजाने में ऑडियंस को आपकी बात से डिसएग्री होने के कई रीजन दे रहे होते हैं
और अगर एक बार उन्हें डिसएग्री करने का कोई पॉइंट मिल गया तो बाकी की बातों से डिसएग्री होना आसान होने लगता है और एंड में वो शायद आपकी बातों से सहमति ना हो और बात बहस में भी बदल सकती है। एक्सपर्ट नेगोशिएटर ऐसा नहीं करते, वो ऑडियंस के माइंड को ओपन करने की कोशिश करते हैं। उनका गोल ऑडियंस को अपनी ओपिनियन से डोमिनेट करना नहीं होता है, बल्कि उनसे सवाल पूछकर अपने ओपिनियन के बारे में सोचने के लिए इंस्पायर करते हैं। वो ऑडियंस से सवाल पूछकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इसके बेस पर बातचीत को ऐसे पॉइंट पर ले जाने की कोशिश करते हैं जिससे दोनों पार्टी सहमत हो जाएं और दोनों का फायदा हो। ये बिहेवियर शो करता है कि आप एक ओपन माइंडेड इंसान हैं और सामने वाले की बात को सुनने और समझने को तैयार हैं। जब सामने वाले को लगेगा कि आप उनके ओपिनियन को समझने में इंटरेस्टेड हैं, तो बदले में वो भी आपकी बातों को समझने में इंटरेस्ट लेंगे और आपके ओपिनियन से अपना माइंड चेंज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इससे आप प्रीचर, प्रोसिक्यूटर या पॉलिटिशियन जैसे नहीं लगेंगे जो अपने आप को सही और दूसरों को गलत साबित करना चाहते हों, बल्कि एक ऐसे इंसान लगेंगे जो सिर्फ सच्चाई तक पहुंचना चाहता है। ये चीज ऑडियंस की नजरों में आपको ज्यादा भरोसेमंद इंसान बनाती है। रिसर्च में ये पता चला है कि ऐसे लोगों को पॉजिटिवली लिया जाता है। इसी के साथ ओपन माइंडेड रहने की क्वालिटी प्रोफेशनल ग्रोथ में भी फायदेमंद होती है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करना प्रेफर करते हैं जिन्हें अपनी क्वालिटी के साथ ही लिमिटेशन मालूम हो, क्योंकि ऐसे लोग सीखकर इम्प्रूव करने के लिए तैयार रहते हैं। अब हम कलेक्टिव रीथिंकिंग के बारे में बात करेंगे। क्या कभी आप ऐसे आर्गुमेंट में फंसे हैं जैसे क्लाइमेट चेंज या पॉलिटिकल ओपिनियन को लेकर कभी आपकी बहस हुई हो? तो आपने नोटिस किया होगा कि लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। एक अलग ओपिनियन सुनकर हम लोगों की बात को सुनना ही नहीं चाहते। उनकी बात पूरी होने से पहले ही हम मान लेते हैं कि हम सही हैं और दूसरा इंसान गलत, और सारी परेशानियां यहीं से शुरू होती हैं जो दो अपोजिट ओपिनियन वाले लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती हैं। इस माइंडसेट के लोग ये मानते हैं कि चीजें या तो सही हो सकती हैं या फिर गलत। एग्जाम्पल के लिए एबॉर्शन का मुद्दा ले लीजिए। कुछ लोग फैमिली प्लानिंग को देखते हुए इसे स्मार्ट वर्क की तरह अप्रिशिएट करते हैं, वहीं कुछ सोशल ग्रुप्स में ऐसा करने वालों को एंटी अबॉर्शन के रूप में देखा जाता है जिनमें इमोशंस नहीं होते, अपने पर्पस के लिए अपने ही बच्चे का अबॉर्शन करवा देते हैं। ऐसे में फैमिली प्लानिंग को प्रायोरिटी देने वाले लोग अबॉर्शन को सही मान सकते हैं और एंटी अबॉर्शन माइंडसेट रखने वाले लोगों को पूरी तरह से गलत मान सकते हैं। वहीं एंटी अबॉर्शन माइंडसेट के लोग अबॉर्शन सपोर्टेड लोगों को पूरी तरह से गलत और अबॉर्शन ना करवाने को पूरी तरह से सही मान सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट ही बढ़ेंगे। तो उसका सॉल्यूशन इस बात को समझने में है कि एक ही चीज के दो अलग पहलू हो सकते हैं। जैसे अबॉर्शन के केस में देखें तो अगर किसी की नई नई शादी हुई है तो ऐसे में अबॉर्शन ना करवाना सही होगा, और दो बेबीज के बाद अगर आप थर्ड बेबी नहीं चाहते हैं तो अब अबॉर्शन बेस्ट ओपिनियन होगा। इसका सॉल्यूशन इस बात को समझने में है कि किसी एक टॉपिक पर एक से ज्यादा नजरिया भी हो सकता है। हर बात का हाँ या ना में जवाब नहीं होता। हमें फाइनल डिसीजन लेने से पहले कई बातें कंसीडर करनी होती हैं और टॉपिक के कई पहलुओं पर गौर करना होता है। ये फ्लेक्सिबल माइंडसेट आपको लोगों के नजरों में हम्बल फील करवाएगा। ये आदत आपको ऐसा इंसान शो कराती है जो ऑनेस्टली ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि टॉपिक के बारे में उन्हें कुछ चीजें पता नहीं है या उन पर पहले कभी गौर नहीं किया गया है और वो अब जानने के लिए तैयार हैं। न्यूयॉर्क के एक लैब में इससे रिलेटेड एक रिसर्च कंडक्ट की गई जहां वॉशन के बारे में अलग अलग राय रखने वाले दो लोगों को 20 मिनट के लिए बात करने के लिए कहा गया। एंड में दोनों को एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री या डिसएग्री करना था। फिर इस रिसर्च को ग्रुप में कंडक्ट किया गया। रिसर्च में ही पाया गया शुरुआत में दोनों ग्रुप एक दूसरे की राय से पूरी तरह से डिसएग्री थे, लेकिन ओपन माइंड से एक दूसरे ग्रुप की राय को समझने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि सर्वाइवल के लिए ये डिफरेंट हो सकता है। जहां पॉपुलेशन कम है वहां इसे बैलेंस करने के लिए बर्थ रेट को बढ़ाना चाहिए और अबॉर्शन को कम करना चाहिए, और जहां पॉपुलेशन ज्यादा हो वहां इसे कंट्रोल करने के लिए अबॉर्शन करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑथर ने अपने ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस में ये पाया कि जिन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज में लर्निंग कल्चर स्ट्रांग होता है वहां रीथिंकिंग की आदत को आसानी से डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे ऑफिस कल्चर में लोग अपनी नॉलेज की लिमिट को जानते हैं। उन्हें पता होता है कि कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में वो नहीं जानते, इसलिए ओपन माइंडेड होना आसान हो जाता है। ऐसे लोगों में नई चीजें सीखना और ट्राई करने की इच्छा भी ज्यादा होती है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे रीथिंकिंग ना करने से एक इंसान की जान ऑलमोस्ट जाते जाते बची। नासा के एक स्पेस प्रोग्राम में कुछ एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए। एस्ट्रोनॉट एडम और उनके दोस्त स्पेस में वॉक कर रहे थे, तभी एडम को गर्दन के पीछे कुछ लीकेज सा महसूस हुआ। लीकेज इतनी ज्यादा थी कि ये पसीना तो नहीं हो सकता था, इसलिए एडम ने तुरंत इसकी इन्फॉर्मेशन स्पेस क्रू को दी। स्पेस क्रू ने उन्हें स्पेसशिप के अंदर आने के लिए कहा। सेफली स्पेसशिप में पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि एडम का ड्रिंक बैग लीक होने लगा था। ड्रिंक बैग एस्ट्रोनॉट की पीठ पर बंधा हुआ एक तरह का वाटर बैग होता है जिससे एस्ट्रोनॉट को हाइड्रेटेड रहने में मदद मिले। हालांकि स्पेस वॉक पर जाने से पहले एडम ने थोड़ी लीकेज फील की थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। एडम ने ओवर कॉन्फिडेंट होकर उसे छोटी सी चीज मानकर इग्नोर कर दिया। टाइम रहते स्पेसशिप में पहुंचकर ड्रिंक बैग बदलने से वो बच गए, अदरवाइज उनकी जान भी जा सकती थी। नासा ने पिछली गलतियों की तरह इससे भी एक सबक सीखा कि ज्यादा इंटेलिजेंट होने या इंटेलिजेंट लोगों में रहने से
हम अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट के शिकार हो जाते हैं और उन चीजों को मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं जो शायद इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। इसलिए हमेशा रीथिंकिंग करते रहना चाहिए। अपने स्टाफ को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने काम को रिव्यू करते रहें और उसमें इम्प्रूव करते रहें और काम को दूसरों के नजरिए से देखने की भी कोशिश करें। अपनी कंपनी के वर्क कल्चर में भी लोगों को रीथिंकिंग के लिए इनकरेज करने के लिए उन्हें इंस्पायर करें और अपने काम के बारे में नई नई चीजें सीखते रहें, एक्सप्लोर करते रहें और नासा की तरह अपने काम को रिव्यू करते रहें, उसमें इम्प्रूव करते रहें और काम को दूसरों के नजरिए से देखने की भी कोशिश करें। ये आदत किसी भी चीज पर अप्लाई हो सकती है। आप इसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपना सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का एग्जांपल लेते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि प्रेजेंटेशन देते टाइम हमेशा अब तक के सबसे बेस्ट तरीके को ही अपनाने की प्रायोरिटी दी जाती है। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस तरीके से पहले भी अच्छी प्रेजेंटेशन दी जा चुकी है, इसलिए वो टेस्ट एंड ट्राई मेथड है। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए माइंडसेट पर काम करना ठीक है क्योंकि आप एक बेस्ट तरीके को फॉलो कर रहे हैं और बदले में अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। इसी के साथ रीथिंकिंग भी करें कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, कैसे इसे सिंपल और ज्यादा यूजफुल बनाया जा सकता है। रीथिंकिंग करने से आपकी कंपनी बदलती मार्केट की जरूरतों के हिसाब से अपने आप को बदल लेगी और मार्केट में सर्वाइव कर लेगी। लेकिन रीथिंकिंग ना करने से ऐसा हो सकता है कि आपके आज के तरीके बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हों लेकिन फ्यूचर में वो यूजफुल नहीं रहेंगे। इसलिए कोशिश करें कि आपकी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को नई चीजें सीखने और इनोवेट करने का मौका दे, उन्हें क्रिएटिव तरीके से सोचने और नई चीजें इनोवेट करने के लिए जरूरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएं, ना कि सिर्फ रिजल्ट के बेसिस पर काम करने के लिए कहें। अब हम सन कॉस्ट को एस्केप करने के बारे में बात करेंगे। हम में से कई लोग एक ही प्लान लेकर बड़े होते हैं। शायद आपने भी बचपन से ही सोच लिया होगा कि आप बड़े होकर इंजीनियर ही बनना चाहते हैं और फिर सारी एकेडमिक प्लानिंग इसी गोल के अकॉर्डिंग की जाती है। लेकिन क्या होगा अगर ये प्लान फेल हो जाए? ऐसे में आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? आप क्या करेंगे अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो? ऐसे माइंडसेट के लोग कभी भी अपने प्लान के बारे में रीथिंकिंग करना जरूरी नहीं समझते। वो बस एक गोल डिसाइड कर लेते हैं, उसके लिए एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं और फिर उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे में जब एक स्ट्रेटजी फेल होती है तो हम और ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन अपनी स्ट्रेटजी को नहीं बदलते। ऐसी कंडीशन से डील करने के लिए आपको हमेशा प्लान बी लेकर चलना चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स के लिए तरीका बहुत जरूरी होता है। रिसर्चर्स ने जब इस बारे में रिसर्च की कि लोग प्लान बी क्यों नहीं अपनाते हैं, क्यों फेल होने के बावजूद लोग एक ही स्ट्रेटजी से चिपके रहते हैं, तो इसका रीजन है सन कॉस्ट फैक्टर। इसका मतलब ये है कि किसी चीज के गलत होने के बावजूद उसे बार बार करने में लगे रहना। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आपने उस प्लान में अपना काफी पैसा, टाइम और रिसोर्सेज लगाए हैं। लेकिन अपने आप को सही प्रूव करने के लिए हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में चाहे एविडेंस से आपकी स्ट्रेटजी गलत ही क्यों ना प्रूव हो रही हो, लेकिन उसे सही साबित करने में आप पूरी मेहनत करते हैं। अक्सर सीधा सीधा डिसीजन लेना हमें आसान लगता है। जैसे 11th स्टैंडर्ड में आप ये सोचकर कॉमर्स लेते हैं कि आप बिजनेस करेंगे, लेकिन बाद में आपको अकाउंटिंग बोरिंग सब्जेक्ट लगने लगता है, तो ऐसे में कई लोग उदास हो जाते हैं। लेकिन अकाउंटिंग की बजाय आप सेल्स या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड में अपना बिजनेस कर सकते हैं। हमेशा नई पॉसिबिलिटी के लिए अपने माइंड को ओपन रखें। ये आदत आपकी ग्रोथ के लिए काफी हेल्प करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग अपने आप को अपनी चॉइसेस के बारे में रीथिंकिंग करने के चांस ही नहीं देते। रीथिंकिंग करने से आप पाएंगे कि जो काम आप सालों पहले करना चाहते थे वो शायद आज ना करना चाहें। जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती उसे करने के लिए सन कॉस्ट को खुद पर हावी ना होने दें। कई स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाते। जो करियर उन्होंने 18 की उम्र में देखा था आज में भी उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं और 8 साल बाद अपनी जॉब से बुरी तरह से उब जाते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि दूसरे करियर ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज को अपने ध्यान में रखकर चलें, किसी चीज को छोड़ देने और नया ट्राई करने से नहीं डरें। करियर चॉइस के लिए ये बात काफी हद तक सही है। कई बार बाद में आपको पता चलता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो पसंद नहीं है और आप दूसरे काम में अच्छे हैं। ऐसे में जो स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है उसे छोड़कर नए तरीके को अपनाएं। यहाँ तक कि अगर इसके लिए अपनी आज की जॉब को बदलने की जरूरत लगे तो आप उसे भी बदल सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि प्लान और गोल होना ठीक है, कभी कभी ये हमें अपने विजन की तरफ जाने में मदद करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही प्लान के लिए कमिटेड होकर दूसरे ऑप्शंस के बारे में नहीं सोचना आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए सेकंड प्लान माइंड में लेकर चलें। रीथिंकिंग से आप अपनी करियर के साथ साथ रिलेशनशिप, हेल्थ और लाइफ के जरूरी पहलुओं को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए अपने माइंड को ओपन रखें। करियर रीथिंकिंग के लिए महीने में एक बार ये करें। उन लोगों को नोटिस करें जिनसे आप इंस्पायर होते हैं और ऑब्जर्व करें कि वो अपनी डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं। उनके रहने, बिहेव करने और काम करने के स्टाइल को नोटिस करें और देखें कि वो आपके इंटरेस्ट, स्किल, वर्किंग स्टाइल और वैल्यूज के साथ कितने ज्यादा मैच करते हैं। अपने आप को टाइम टाइम पर टेस्ट करते रहें। इसके लिए बस टेस्टिंग के पर्पस से इंटरव्यू दें। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो इंटर्नशिप करें ताकि आपके काम का टेस्ट होता रहे। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना कि हम अपने प्लान या बिलीव्स को बनाने और उन्हें साबित करने में बहुत सारा टाइम लगाते हैं और बहुत कम टाइम ये वैल्यूएट करने में देते हैं कि वो बिलीव्स या प्लान ठीक हैं या उन्हें इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसलिए रीथिंकिंग करके टाइम टाइम पर ये चेक करते रहना चाहिए कि आज का तरीका कितना सटीक है।
आइए अब सीखे हुए लेसन को एक बार वापस से दोहरा लेते हैं ताकि आपको ये आसानी से याद रहे। सबसे पहले याद रखें कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। ज्यादातर लोग अपना डिसीजन तीन माइंडसेट, प्रीचर, प्रोसिक्यूटर या एक पॉलिटिशियन से इन्फ्लुएंस होकर लेते हैं। इससे कई बार सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, इसलिए साइंटिस्ट माइंडसेट से फैक्ट के बेस पर ही अपने डिसीजन लें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर भी गौर करें तो अपने आप को सही साबित करने के रीजन देने की बजाय उनसे सवाल पूछकर अपने व्यूज के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ाएं। हर चीज के कई अलग अलग पहलू हो सकते हैं, इसलिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश ना करें बल्कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों के नजरिए को समझें। इससे आप उस टॉपिक के बारे में एक नए नजरिए से अवेयर हो जाएंगे। हमेशा अपनी आज की स्ट्रेटेजी के बारे में रीथिंकिंग करते रहें। सोचेंगे क्या इसे बेहतर किया जा सकता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो सोचें कि कैसे आने वाले टाइम में मार्केट के डिमांड को देखते हुए अपने प्रोडक्ट या काम करने के तरीके को आप बदल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है ये बताने का कि इस किताब की सबसे अच्छी बात क्या थी जो आपने जस्ट अभी सीखी और जिसको आप अपनी लाइफ में 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। इमीडिएटली कमेंट करें और मुझे बताएं।